स्वागत है आप सभी का हमारे वीके स्पेशल यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने फोन पे एप्लीकेशन से किसी भी अकाउंट नंबर पर पैसे भेज दिए, मतलब कि आप फोन पे एप्लीकेशन से पैसे भेज रहे थे और गलती से आपने गलत अकाउंट नंबर पर पैसे भेज दिए, तो वो पैसे आपको कैसे वापस मिलेंगे, मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ। तो कई बार गाइस क्या होता है, हम फोन पे एप्लीकेशन से मनी ट्रांसफर करते हैं, पैसे को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन गलती से गलत अकाउंट नंबर में या फिर गलत मोबाइल नंबर में पैसे सेंड हो जाते हैं, तो वो पैसे हम कैसे रिफंड ले सकते हैं, मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको फुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आज की इस वीडियो को आप आखिरी तक वॉच करिएगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पैसा चला गया तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाइस आपको ये देखना अपने फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करके कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट फोन पे में लिंक है और आपने किस बैंक अकाउंट से पेमेंट किया है। तो सबसे पहले आपको फोन पे को ओपन करना है। फोन पे को ओपन करने के बाद प्रोफाइल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और उधर पर आपको बैंक अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपने जिस भी बैंक अकाउंट से पेमेंट किया, जो भी बैंक अकाउंट ऐड है, तो आपको सबसे पहले उसी बैंक अकाउंट की ब्रांच में जाना है। जैसा कि आप देखोगे मेरे फ़ोन पे पेटीएम पेमेंट बैंक लिंक है और मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक से पेमेंट किया है, तो मुझे जाना पड़ेगा पेटीएम पेमेंट बैंक की ब्रांच पे। तो अगर आपके में एसबीआई का बैंक अकाउंट ऐड है या फिर कोई सा भी बैंक अकाउंट ऐड है, तो आपको वही ब्रांच में जाना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पेटीएम पेमेंट बैंक के लिंक है, तो मुझे जाना पड़ेगा पेटीएम पेमेंट बैंक की ब्रांच में और ब्रांच में जाके मुझे कंप्लेंट करवाना पड़ेगा। उधर पर आपको कंप्लेंट ये करवाना है कि मैं पैसे भेज रहा था फोन पे एप्लीकेशन से और मेरा यही वाली बैंक में मेरा अकाउंट है, तो ये मेरा अकाउंट नंबर है आपको बताना है, और ये वाला जो मेरा अकाउंट नंबर है इसी अकाउंट से मैं पैसा भेज रहा था, लेकिन गलती से मैंने किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा भेज दिया है, तो मुझे कंप्लेंट करवाना है। फिर वो आपको प्रोसेस बताएंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट देना है, उसके बाद आपकी कंप्लेंट लिखा दी जाएगी। तो आपको इस तरह से कंप्लेंट लिखवाना है। उसके बाद आपको एक काम और करना है, आपने जिसको भी पैसा भेजा है गाइस, आपने जिसको भी पैसा भेजा, अब उसको आपने पैसा भेजा है तो उसका अकाउंट मतलब किस बैंक का था ये भी आपको पता रहना चाहिए, तो वो भी आपसे पूछा जाएगा। और आपको नहीं पता, आपको पता करना है, तो YouTube पर ऐसी बहुत ज़्यादा वीडियो है, या फिर मैं वीडियो बना दूंगा, अगर मैं वीडियो बना देता हूँ तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे पता करना अकाउंट नंबर से ये कौन सा अकाउंट मतलब किस बैंक का अकाउंट है, तो ये चीज़ आप पता कर सकते हो। शायद मैंने वीडियो बना चुका हूँ तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो एक बार आप चेकआउट कर लेना, मुझे इतने अच्छे से ध्यान नहीं है। तो आपने जिसको पैसा भेजा है आपको उसका भी पता रहना चाहिए कि उसका अकाउंट किस बैंक का है, तो आपको उस वाली ब्रांच में भी जाना पड़ेगा जो जिसको आपने पैसा भेजा उसका अकाउंट समझो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है, तो आपको उस इंडिया पोस्ट पेमेंट की ब्रांच में भी जाना है, उधर पे भी आपको कंप्लेंट करवाना है कि मैंने इस अकाउंट में पैसा भेज दिया मेरे बैंक से, तो इधर पर मुझे ये रिफंड चाहिए। इस तरह की आपको कंप्लेंट करवाना, वो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता देंगे कि किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसा क्या होगा और कितने दिन में आपका पैसा वापस मिलेगा। तो आपको सिंपल सा बैंक में ही कंप्लेंट करवाना, क्योंकि फ़ोन पे एप्लीकेशन इधर पर आपकी कोई भी हेल्प नहीं करता है। फ़ोन पे एप्लीकेशन के आप कस्टमर केयर से ही बात करोगे तो भी वो वही बोलेगा कि आपको बैंक में जाके ही कंप्लेंट करवाना है। तो आपको मैं आपको बता दिया मैंने कि आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन कोई भी हेल्प नहीं करता, अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, या फिर आप खुद ही गलती से पैसे भेज देते हो, तो आपको बैंक से ही कॉन्टैक्ट करना है। और मैंने आपको बता दिया किस बैंक से कैसे क्या कॉन्टैक्ट आपको करना है, मतलब आपका जो भी अकाउंट जिस भी बैंक में अकाउंट है, तो आपको वही ब्रांच जाना है और आपको कंप्लेंट दर्ज करवाना है, और गाइस आपका पैसा 100% वापस मिल जाता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मेरा पैसा 100% वापस मिल गया है। तो आपको बस यही काम करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।